morning, dear students. Welcome to EVS class. Today is your EVS class. And in today's class, we will start our new chapter in EVS, chapter number 10, food. In the chapter, we will read about different types of food items, about carbohydrates, fat, vitamins, proteins. Why we eat food? We eat food for get energy, and this helps us to stay healthy and fit. And we can get our food from plants and animals also. All these things we will learn in the chapter. So everybody take your book and open page number 64. Always we should eat a balanced diet food, because this help us to stay always healthy and free from disease. हमें हमेशा balanced diet का food करना चाहिए. Balanced diet food means जिसमें सारे nutrients present रहते हैं, protein, विटामिन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स. हमें इस टाइप का खाना खाना चाहिए. इससे हम हमेशा हेल्दी रहते हैं और हमें डिजीज नहीं होती है. पेज नंबर 64. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव. एनीथिंग दैट इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन एंड एनिमल एंड प्लांट्स टू गेट एनर्जी एंड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज फूड. यू कैन सी इन योर एनवायरमेंट ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू सर्वाइव. जितने भी सारे लिविंग बींग्स होते हैं एनवायरमेंट में, उन सबको जिंदा रहने के लिए, उन्हें सर्वाइव करने के लिए फूड की जरूरत होती है. लाइक ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो, चाहे कोई भी हो, उन्हें फूड चाहिए होता है. तो वो सारे फूड आइटम्स जो उनकी बॉडी ग्रोथ के लिए, जो उन्हें बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं, उन्हें सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो ही क्या होता है, फूड होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. वी गेट अवर फूड from both plants and animal. Some of the common example of the food that we consume are rice, bread, vegetable, meat, egg and fruit. हमें अपना food जो है वो plant और animal दोनों से ही मिलता है. Everybody know that हमें milk, butter ये सब animals की help से मिलते हैं, और हमें plants से rice है, wheat है, pulses है, सारी दालें वगैरह जो हम बना के खाते हैं वो सब कहाँ से मिलते हैं? Green vegetables वगैरह वो सब plants से मिलते हैं. Like us, human and animal plant make their own food in their leaves using sunlight, water and carbon dioxide. This is called photosynthesis. We can't able to make our food ourselves, but plant can do. हम अपना food खुद नहीं बना सकते. We all are know that हम totally depend है किस पे, plants पे, और कुछ food items हमें animals से भी मिलते हैं. But जो plant है वो अपना food खुद ही बनाते हैं. वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. यू विल रीड अबाउट दिस इन फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास. ये आपको वर्ड साइंस में मिलेगा ही मिलेगा. फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वो अपना फूड बनाते हैं सनलाइट का यूज करके, वाटर का यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके. और इसमें मेनली जो रोल होता है वो किसका होता है? लीव्स का होता है. किसका होता है? लीव्स का होता है. लीव्स में ही फूड बनता है. न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट. न्यूट्रिएंट्स इन फूड हेल्प अवर बॉडी डेवलप इन बैलेंस वे. न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ वेरियस टाइप लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स. न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे फूड में होते हैं और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कुछ में प्रोटीन होते हैं, कुछ में फैट होते हैं, मिनरल्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव अस एनर्जी. हमें एनर्जी किससे मिलती है? मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स से. प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी मसल्स. प्रोटीन्स जो होती है वो हमारे बॉडी मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज. जितने भी सारे विटामिन है और मिनरल्स है वो हमें हेल्प करते हैं हमेशा हेल्दी रहने में और डिजीज से फ्री रहने में. नाउ यू कैन सी ऑन पेज नंबर 64 एंड 65 वन टेबल है अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स. द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वी कैन गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम राइस, व्हीट, पोटेटो एंड ब्रेड. हमें कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिल सकता है? पोटेटो से, राइस से, व्हीट से और ब्रेड से. And what is the function of carbohydrates in our body? Give us energy. Carbohydrates give us energy. Carbohydrates हमें क्या देता है? Energy देता है हमारी body में. Second type of nutrients, fats. Sources of fats, butter, oil and ghee. जितने भी oily
सब्सटेंस होते हैं खाने के लिए, वो उनसे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है, जैसे कि बटर, ऑयल एंड घी. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैट, गिव अस एनर्जी, सेम लाइक कार्बोहाइड्रेट्स. जो कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन है वो फैट का है, इससे भी हमें एनर्जी मिलती है. नाउ ऑन पेज नंबर 65, प्रोटीन्स. वी कैन गेट प्रोटीन्स फ्रॉम एग, मीट एंड बीन्स, एंड दिस हेल्प इन बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. प्रोटीन से बॉडी का डेवलपमेंट होता है और बॉडी का ग्रोथ होता है. विटामिन्स एंड मिनरल्स, वी कैन गेट विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल. वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मिल्क है, इनसे हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलता है. एंड दिस हेल्प अस टू फाइट जर्म्स एंड कीप अस हेल्दी. ये हमें डिजीज से फ्री रखता है, हमें बीमारियों से बचाता है और हमारी हेल्थ हमें हेल्दी रखता है. वी शुड इंक्लूड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अवर डेली मील टू स्टे फिट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट अ बैलेंस डाइट. अ बैलेंस डाइट इज द वन इन विच वी गेट ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ बैलेंस वे. यू शुड ऑलवेज ईट बैलेंस डाइट बिकॉज दिस हेल्प अस टू स्टे ऑलवेज हेल्दी एंड फिट. बैलेंस डाइट का फूड हमें खाना चाहिए क्योंकि ये हमें हेल्प करता है हमेशा बीमारियों से फ्री रखने में, जिसमें सारे फूड आइटम्स सारे परसेंटेज में होने चाहिए. अगर आप सिर्फ दूध ही पी रहे हो तो सिर्फ दूध पीने से काम नहीं चलता, आपको चपाती भी खानी चाहिए, आपको वेजिटेबल्स भी खाना है, तो आपको थोड़ी थोड़ा जो क्वांटिटी में है वो सब खाना चाहिए. ये होता है बैलेंस डाइट. अबाउट सोर्सेज ऑफ फूड एंड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट क्लास.